अभी तुम्हारा उम्र क्या है? 19.5 19.5 साल। हाँ, तो अंडे से भी नहीं निकले हो, अंडे के अंदर ही हो अभी। ठीक है, अच्छा बात है, बाप का बात मान के यहाँ आए हो, अच्छा बात है। अभी तुम्हारा प्रश्न होगा, कौन सा मंत्र करें, क्या जाप करें, क्या पूजा करें, क्या पाठ करें। आप तो बोले थे कि कहाँ ये करेंगे तो हो जाएगा, आप आओगे तो कुछ तंत्र मंत्र कर दोगे तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। ये एक ठो भट्टा है, भट्टा समझते हो, फर्नेस। ये क्या है, फर्नेस देखे हो कभी? जैसे ब्लास्ट फर्नेस है हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में, उसमें जितना भी पत्थर जाएगा, लोहा का पत्थर, क्या होगा, पिघल जाएगा, लोहा बन जाएगा, गर्दा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, फर्नेस का काम ही वही। तो ये भी ऐसा ही एक फर्नेस है, ये मैन मेकिंग फर्नेस है, ये तुम लोग सब रॉ मटेरियल हो। समझ में आ रहा है, कोई फेरो मंगनीज, फेरो एलॉय और जितना सारा लोहा का पत्थर सब टेंसा बरसुआ कल्टा जितना माइंस से ये आ गए, है कि नहीं, इधर डल गए। तो ये छोटा सा समय में आपको अभी फर्नेस में फायर कर दिया, चल रहे हो तुम, पड़ गए फर्नेस फर्नेस में। और ये नया फर्नेस नहीं है, बहुत पुराना भट्टा है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ जितना भी गन्ना का रस दे दो, गुड़ बनेगा ही बनेगा। ये हमारा फर्नेस में यहाँ कितना भी लोहा पत्थर दे दो, लोहा बनेगा। ये ऐसा भट्टा है कि गन्ना का रस डाल, गुड़ बन के ही निकलेगा। तो हमें पता है कि कितना कितना जलाएंगे तो गुड़ मीठा होगा, कितना ज्यादा जला देंगे गुड़ तीता हो जाएगा। और इसी गन्ने का रस को गलत थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें तो फिर मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, तो दारू पी के फिर लोंडरू। ठीक है, तो दुनिया में आप यहाँ मेरे फर्नेस में आए हो, एक 42 साल का फर्नेस है, पुराना फर्नेस है, तो बनोगे ही बनोगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर आपको कुछ देना होता तो मैं दे दिया होता, नया हो, अभी चुंडरू सा बच्चा हो 19 साल, ठीक है ना। तो अभी पहले देख लो, हजम कर लो। और मैं तुम्हारा कुंडली देखा हूँ, तुम बड़े क्रिएटिव आदमी हो, तुम्हारे पास वो गड्स है, चमत्कार शक्ति है तुम, तो ऑटोमेटिक पहले मैटर को समझो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आया देखा कि भाई ये क्या योग निद्रा, योग निद्रा क्या, मोबाइल वोबाइल बजा देते हैं और सो जाते हैं। ऐसे तो हम भी घर में सो सकते हैं, बोलोगे हम तो सोने में धुरंधर, कहीं भी सो जाए। ये लोग का एक तो कर रहा है, छू छा कर रहा है, कोई माला वाला ऐसे ऐसे चला रहा है, फिर वो हवन वमन कुछ कर रहा है, फिर कुछ देर में आके देख रहा है कि आंख बंद करके बैठ गया, सब बुद्ध भगवान बन गए। ठीक है, पहले समझो, अभी बच्चे हो ना, कि हो क्या रहा है यहां, मैटर को समझ जाओ। और उसके बाद जीवन के क्षेत्र में जब तुम यहां आए हो, तो बोलते हैं ना, पारस पत्थर के साथ लोहा भी लग जाए तो सोना बन जाता है। तुम आ गए हो, तुमको एक टेम्पररी टाइम जोन के लिए बुलाया गया है, नहीं तो तुमको शुरू से शिविर का पहले से ही बुला देते। नहीं, यहाँ मतलब साज सब सज गया है, साज समझना समझते हो, जैसे वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट वगैरह में होता है ना, सी मेजर में बांधो, सी मेजर में बांधो, बी प्लस पकड़, टिंग टिंग टिंग, टनानंग टनानंग टनानंग, पकड़ रहे सी में, टिंग टिंग, हाँ तो उसको थोड़ा डाउन कर, तो सज चुका है माय, मेरा मेरा जो साज है ना, सज चुका है, सब बन चुका है। अभी तुम आए हो, यहाँ खाली नाचना है तुम्हें। शुरुआत लगा 4-5 दिन साज को मतलब स्केल में बांधने के लिए, बीट में डालने के लिए, बन चुका है यहाँ। अब तुम आ गए हो, अब ताता थीना करो, क्या करना है देख लो, वो क्या कर रहा है, जाके क्या कर रहा है। एक तो जर्सी वाला मतलब बंधा हुआ गाय आई थी मेरे गौशाला में, तो क्योंकि वो तो कुंड में, कुंड मत समझते हो, जहाँ तागड़ में गाय को खिलाते हैं, तो जिंदगी का 10 साल तो ऐसे ही खाइए कि कोई दे दे तो खाएं। तो गाय आ गई मेरे गौशाला में, तो बाकी गायों के पास जाके ऐसे देखती है कि क्या कर रहे हैं लोग हैं, तो वो मैदान में चरने जाते हैं गाय, तो घास खा रहे हैं, तो घास कैसे खाना है उसे नहीं पता। अच्छा, फिर चले झरिया में, झरिया मतलब जहाँ से पानी, नाला तालाब नदी, गाय लोगों को हमारा गाय चरुआ चरवाने लेता है, तो सब गाय, इतने गाय कहाँ पानी पियेंगे, नदी में पियेंगे ना, तो नदी से पी रहे हैं। तो वो गाय आके सबको देखती है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो पानी नहीं पी पाए,
सब पानी पीते या नहीं पी पाती है, तो उसके लिए एक बाल्टी लेके जाता था, बाल्टी से निकाला उसको दिया, तब वो गाय पानी पिए, बाल्टी से पानी पिए। उसका मालिक उसको ऐसे ही आदत में डाल दिया है, वो गाय के लिए बड़ा परेशान। 6 महीना लग गया टर्निंग देते देते कि चर के खाना है, नदी से पानी पीना है। 6 महीना के बाद जाके फिर थोड़ा सा सेटअप हुई, लेकिन खुशी तो उसी में कि आके तागड़ तागड़ सूंघे पानी है कि नहीं, पुआल है कि नहीं। घास होने के बावजूद नहीं खाती है, जंगल से, जंगल में सब गाय घास खा रही है, खड़ी है सबको देख रही, घास काट के एक तो तागड़ में दे दोगे तो खाई। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो गया है, तुम्हारा मैकल एजुकेशन, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा अब यहां के देखो कि वो गाय क्या कर रहा है, कहां माला वाला पकड़ा है, आसन में बैठा है, पानी देके आचमन कर रहा है, दूसरा देखा कि वो गाय उधर हवन कर रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, एक को देखा कि पीला पीला धोती पहन के पंडित जी बना हुआ है, पंडित जी लोग जींस पहन के बैठा है, समझ में आ रहा है। जितना पंडित जी, ग्रह विप्र, मिश्रा गया पंडित, मिश्रा पंडित, उड़िया पामान, सब जींस उस मार के एकदम बैठा हुआ है, और ये बेचारा एसटीएससी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट धोती पहन के पंडित बन के बैठा हुआ है। देखोगे अरे यार ये क्या फैक्ट्री है, समझ रहे, ये हो क्या रहा है, हम है ये स्वर्ग वाले जींस पहने हैं और कवर्ग वाले पंडित बने बैठे हुए, और तुम भी कवर्ग से आते हो, बोलो का ये तो एकदम वो नरगुंजर वेश, कृष्ण भगवान का जानते हो ना गुंजर वेश, क्या हुआ था गुंजर वेश में, नहीं जानते हो। ऐसा एक माया जीव जिसका ठोंट मयूर का मुंह, पूंछ कुत्ता का, दूसरा पैर हाथी का, तीसरा पैर शेर का, चौथा पैर गोरू का, अच्छा ये है क्या, अर्जुन भी कंफ्यूज हो रहा है कि है क्या ये, यहां हो क्या रहा है एक्चुअली। गुंजर वेश कृष्ण भगवान रूप ले लिए कि ऐसा जीव जिसका मुंह मयूर जैसे, एक पैर हाथी जैसे, हाँ जाओ, दूसरा पैर सिंह जैसे, बोले ये है क्या एक्चुअली। तो तुम्हारे साथ भी यही है कि समझो पहले, हड़बड़ाओ मत, और फिर तुम्हें कौन से रास्ता में लेके जाना है, क्या करना है, तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो। क्या करने के लिए बुलाए थे, कुछ नहीं, यहाँ अनुभव कर लो पहले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सीख लो पहले। वो जो बोला ना गाय देखती थी ना ये क्या कर रहा है, तो कोई लंबा सा माला बेग के अंदर घुसेड़ दिया हाथ और ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, तुम ठहरे 19 साल का, समझ में आ रहा है। जो पंडित जी देख रहे हो ना, क्या पढ़े रहे, तुम पढ़ाई क्या क्या है, मेरा डिप्लोमा डिप्लोमा किया है, पंडित का बच्चा, पंडित पंडित मिश्रा पंडित आके बोलते हैं माला कैसे पकड़ते हैं बताओ, और उसको सिखा रहा है एक आदिवासी लड़का, वो देख उधर मुंडरी गुरु बैठा हुआ है, हरे कृष्ण गुरु, नदी में देखना, वीडियो छोड़ दिया उड़िया चैनल में, माला कैसे पकड़ते हैं सिखाते हैं। वही है वो जो गाय आई थी ना, बंधा हुआ बंधुआ गाय, देखता है क्या कर रहे लोग, माला उला कैसे चला रहा है, पानी आचमन, यज्ञ हवन। तो तुम भी देख लो, समझ में आ जाएगा, कर लेना, नहीं तो फिर तुम तो ऑलरेडी फाइनल डिसीजन लेके आए हो, सियार सट्टा लॉटरी जुआ का बड़ा सा सेंटर खोलोगे, बात करेंगे, निकलने दो, हम काहे बोलें, मेरे से कुछ उद्गार हो जाए तो हो जाए, प्रश्न तुम्हारा विषय ही नहीं छेड़ा ना अभी तक, छेड़ेंगे, हड़बड़ी का आया है, खाओ पियो, इनके जो कैंटीन है तुम्हारा, जो भाग है चावल दाल का दे दो, ठीक है ना, नहीं तो फिर पंडितों का खाओगे और पाप लगेगा, है कि नहीं। तो तुम्हारा जो भाग है बात कर लो भाई, चावल दाल यहाँ तो खुला नहीं है सेंटर, ठीक है, और खुलेगा तो फिर मेरा ग्रह पेटी खुलेगा, शनि राहु केतु का सारा पैसा वहीं है, निकाल दें, खिलाओ, सबको खिलाएंगे, का टेंशन, हम तो चाहते हैं खाओ बोल के, हमारा पुण्य बल बढ़े, हाँ बोलना चाहिए बस, क्या करें, शनि राहु केतु को तो पाल के रखे हैं, आपको नहीं खिलाएंगे, आपके मुंह में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, है कि नहीं। तो बोल देना पेटी खोल देंगे, पैसा वैसा निकल जाओ, खाओ पियो, तो आओ पहले, हड़बड़ी मत करो। आज सुबह पूरा ट्रेनिंग दे दिया ना, पूरा 1 घंटा का वीडियो किस बारे में बना, क्या बोला, हड़बड़ा मत, बैठ आराम से, शाम तक हम अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे, वहां से फोन आ रहा है, रंगागुड़ बोल रहा है, सुनो वो जो आया है उसका बाप फोन किया था, का बोलना है उसको, का दशा चल रहा है, का मंत्र देगा, बोला ठुल्लू मंत्र देंगे, का मंत्र देंगे है तुमको, किस बात का मंत्र के पीछे पड़े हो बेटे, चुप जाओ, हड़बड़ाओ मत, पहले समझो, ये जो फैक्ट्री है, ये जो फर्नेस है, इसमें घुस गए हो मतलब लोहा निकलेगा, मतलब गन्ना का रस गुड़ निकालेगा, टेंशन मत हो। Have patience.
क्या देना है नहीं देना है इंतजार करो। नहीं सब तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे माला चला रहे हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला इनका भी, ये लोग भी चल रहा है। ये एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग है। एक एक आदमी को सर्वनिम्न एक महीना देना पड़ता है जिंदगी में, तब कुछ चमत्कार होता है। ये 5-7 दिन क्या है, एक प्रिलिमिनरी की मैं चखा रहा हूं चटनी। चाट तो कैसा लग रहा है, ये नारियल चटनी, ये बादाम चटनी, ये पुदीना चटनी, ये गोभी का चटनी, ये धनिया का चटनी, चाट चाट कैसा लग रहा है। अच्छा है गुरुजी, नेक्स्ट शिविर में आएंगे, देखना कुत्ता भी नहीं आएगा। सब ऐसे ही बोल के जाते हैं, अगला शिविर में आएंगे गुरुजी, आने वाला कोई नहीं है। लेकिन टेस्ट अच्छा था गुरुजी, टेस्ट अच्छा था, बढ़िया बनाया था चटनी। तो ये 7 दिन का चटनी चटा रहा हूं कि देख ऐसा भी कोई जिंदगी होता है, कर ले योग निद्रा, देख एक बार जिंदगी में रेस्ट क्या होता है। यहां चुतिया क्या रेस्ट करेगा, मोबाइल लेके गप्पा है, क्या किया, कैसा किया, किधर गया, कहां किया, ले गया, डूब गया। अबे भगवानंद सरस्वती इसलिए यहां आया था। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बुढ़ऊ सब बूढ़े बैठे हो, बंद करना, बार बार बोला मोबाइल बंद कर, टपाक एरोप्लेन मोड हटा, रेस्ट, आनंद आनंद ही आनंद, भूल जा दुनिया को कुछ दिन के लिए, यही तो बोलने आया हूं। तुम समझ रहे हो क्या है ना, तुम अपने गाड़ी को न्यूट्रल में डालना ही नहीं जानते हो, इसीलिए हारे हुए हो। न्यूट्रल में डालना एक बार, ये यहां पर न्यूट्रल, आपके जिंदगी का गाड़ी को न्यूट्रल में डाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। इस शिविर में इतना ही कर रहा हूं कि न्यूट्रल में डाल रहा हूं। तुम देखो जिंदगी में ना, सुबह से लेकर शाम तक ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहां जाना है, यहां जाना है, ये पॉकेट पैड में तो लिख दिया है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, करना थोड़ो। हम लोग उड़िया में क्या बोलते हैं बोलो, दाई धोपड़ी है, दाई धोपड़ी, दाई धोपड़ी तोर नहीं कुकुर रो घर नहीं, दाई धोपड़ी तोर नहीं मतलब जो दौड़ भाग करने वाला, रेट रनिंग, कुत्ता का दौड़ दौड़ रहा है, कुत्ता देखा है कि नहीं, कहाँ जा रहा है वो, उधर हड्डी का सेंड आया, उधर चले आओ कुत्ता, दूसरा हड्डी चल हम भी जाएंगे, तू कहाँ कहाँ है हड्डी, हड्डी कहाँ है, दौड़ा देखा कि दूसरा कुत्ता लेके भाग गया, कुत्ता का दौड़। चूहा देखे, चूहा जिस पुराने पुराने घर में देखना, एक चूहा ऊपर है ना, उसके पीछे पीछे पूंछ पकड़ के और एक और एक और एक और एक और एक चला एकदम लाइन लाइन, एकदम रेलवे लाइन जैसे, कहां जा रहे हैं, फिर उधर रास्ता नहीं आगे, चल रहे बाएं बाएं इधर चल, इधर इधर वो इधर चल, कुत्ता दौड़ रेड रनिंग। बताओ कहां जा रहे हो, तो इसलिए बोलते धाई धोपड़ी तोर नहीं कुकुर मतलब कुत्ता, उसका घर नहीं, कुत्ता के लिए हम घर बना दो एक ठो बढ़िया वाला, रहेगा कुत्ता, रहेगा नहीं रहेगा। तो जिंदगी अगर ऐसा है तो कुछ मिलेगा, तुम एक ठो नियम बना कि हर काम और दूसरा काम के बीच में मुझे कुछ देर रिलैक्स रहना है, रेस्ट, रेस्ट जोन पे जाऊंगा। जिस दिन ये सूत्र सीख गया तुम कभी थकोगे नहीं और हारोगे नहीं, जब तक ये नहीं सीखा हर काम में हारोगे, क्योंकि थकावट का एनर्जी लेके दूसरा में जा रहे हो। हम लोग क्यों बोलते हैं जब निकल रहे हो तो देख लो स्वर कौन सा चल रहा है, थोड़ा 60 कदम बैठ जाओ, 60 सांस तक बैठ जाओ, बैठो थोड़ा सा, उसके बाद निकलना। यहां पर वही कराने आया हूं, यहां कोई मैं बहुत कुछ नहीं करने आया, 7 दिन का शिविर में क्या हो जाएगा, 1 महीना मिनिमम मेरे चैलेंज है, 1 महीना इस फॉर्मेस में पढ़ो, अगर जिंदगी ट्रांसफ्यूजन नहीं आ जाए, एक मूंछ काटने के लिए तैयार हूं, एक मूंछ काट के वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं कि मैं इस मूंछ का प्रमाण है कि मेरा काम फेलियर हो गया। बड़े से बड़े दस्यु रत्ना कर वाल्मीकि बनते हुए देखा हूं, बड़े से बड़े अंगुलीमाल इसी मेरे फॉर्नेस में 42 साल में देखा हूं बाबा और संत बनते हुए, सर्वनिम्न 1 महीना और 6 महीना 1 साल का साधना शिविर है तो फिर अलग बात है, वो आज के डेट में आप लोग दे नहीं पाओगे, ऑलरेडी तुम लोग कुत्ता का रेस में शामिल हो चुके हो, हड्डी के चक्कर में दौड़ ही रहे हो और दौड़ोगे भी, आखिरी में मिलेगा क्या हड्डी, तुम्हें लग रहा है क्या टुकड़ा मिल जाएगा लेग पीस, हड्डी ही बचेगा बेटा, और जिस दिन हड्डी मिलेगा उस दिन घूम के आके देखोगे कि और ना कुछ भी नहीं है, यहां करेंगे क्या,
और इस समय सुबह क्या बताया, तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति धरातल के अंदर जितना दशा है तुम्हारा पेड़ उतना बाहर फैलेगा। और तुम्हारा अंदर जड़ अगर अंदर नहीं गया तो दो चार दिन बिजनेस किया तुम किसी के भी ट्रैप में फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि ट्रैप डाला कौन था। कभी सोचे थे कि हम ईटा का भाटी दिए हैं, मेरा कस्टमर 2 लाख रुपया ड्रॉप कर देगा, एक बार माल फंसा देगा और उसके पीछे कोई एक बड़ा बिजनेसमैन का हाथ रहेगा, सोचे थे कभी यहां पर आने से पंडित जी? नहीं ना। और हम यहां बोल रहे हैं ना, सर्च करो देखो यही निकलेगा। आपके कुंडली और स्थान देख के बता रहा हूं कि आपको फंसाने के पीछे एक बड़ा बड़ा मारवाड़ी का बड़ा बिजनेसमैन का या बड़ा तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, जो छोटा मछली तुम दूसरे का निवाला खाने के चक्कर में हो कि तुम्हें ट्रैप करने के लिए बिजनेस शटडाउन कराने, ये चलता है धंधा दुनिया का। तुम जब तुम्हारा दिमाग ही वहां नहीं पहुंच रहा है तो फिर काउंटर कर पाओगे? नहीं, तुम्हारा सोच ही नहीं। तुम तो बोल रहे हो हम तो सिंपल आदमी है, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, सोचते हो ना ऐसा, हमारा कैसे कोई दुश्मनी करेगा। लेकिन दुश्मन के नजर में तुम ऑलरेडी हो, जो शार्प शूटर बैठा है ना, क्या बोलते हैं उसको जो दूर से बैठा है, हाँ तुम स्नाइपर के सूट में हो ऑलरेडी। तुम्हें नहीं पता, बड़े बड़े लोग स्नाइपर बैठा के रखते हैं कि देख लो बेटा कहाँ जा रहा है एकदम ऐसा। सूट तभी करना जब ऑर्डर देंगे, उससे मत करो। तुम खाली उसको जजमेंट करते रहो दूर से बैठ के, 2 किलोमीटर दूर से एकदम बंदूक लगा के, बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों का बंदूक लगा के, उधर दूरबीन, ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे हैं तुमको, तुम्हें पता है नहीं, तुम तो गधा जैसे बिजनेस कर रहे हो। हैव पेशेंस, जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। पहले इनसे देख लो कैसे चर रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, कब तक तो तुम बंधे हुए गुरु थे ही, ठीक है। हैव पेशेंस, वो मत सोचो कि क्या करना क्या नहीं करना, कोई रातों रात चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अच्छा है किस्मत वाले हो कि इस उम्र में इस रास्ते पे आ गए हो, एटलीस्ट जिंदगी में। 19 साल का बच्चा है, तेरा क्या उम्र है? मेरा 27। 27 का बच्चा माला पकड़ने नहीं जानता है, तुम 19 का बच्चा हो, अंडा से भी निकले नहीं हो, निकलो थोड़ा सा फोड़ फाड़ के, हो जाएगा, डोंट वरी।